फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह, फिर से आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो। तो आज है अपना 13 मई 2023, मॉर्निंग का टाइम है, सैटरडे का दिन है और अभी 7 अप्रोक्सीमेटली हो रखे हैं। और अभी आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, गर्मी तो अभी नहीं है इतनी, बट धूप में गर्मी है आपकी जो है। तो ये है सारा ओवरव्यू, बाकी की आज मैं रनिंग नहीं करेंगे, आज लंबी वॉक करेंगे, दोस्त आ चुका है तो अभी हम जस्ट निकलने ही वाले हैं वॉक करने के लिए। और फिर जैसा भी रहेगा ओवरव्यू आके आपको दूंगा, अगर नहीं गए तो फिर यहाँ पे रनिंग करूँगा, जैसा भी रहेगा आपको ओवरव्यू देंगे। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको एक बार ओवरव्यू पार्क का। टाइम हो रखा है वो अपना जो है 9:30 के आसपास का हो गया है और मैं अभी नहा धो के रेडी हो गया हूँ और अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है अपना जो है रसोई में, तो पोहा और अपनी चाय रहने वाली है ब्रेकफास्ट में। और बाकी की मैंने आज रनिंग नहीं करी थी, हम थोड़ा सा घूम के आए थे बाहर की तरफ और फिर उसके बाद मैं गाड़ी वगैरह सफ़ा करी थी, पानी मार के हल्का कपड़ा मार दिया जिससे कि उस पर वो दाग से रह जाते हैं अगर धूल होती है और पानी मार दे तो। बाकी की अभी न्यूज़ चल रही है अपनी, कर्नाटक का अभी चुनाव जो हुआ है उसकी जो वोटिंग खुल रही है तो उसमें अभी सबसे ज़्यादा जो है अपना कांग्रेस की दिख रही है 128, बीजेपी 76। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उधर का और बाकी की फिर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर कहीं जाऊँगा तो पूरा ओवरव्यू आपको। तो अपना यहाँ पे अपने जो है दिख रहे हैं चुनाव के नतीजे, अपना बीजेपी 74 है, कांग्रेस 129 है, JDS 19 है और OPH अपना 2 है। तो अब देखते हैं कौन सी चीज़ की है, अभी तो ये शायद रुझान चल रहे होंगे या हो सकता है वोटिंग भी अभी स्टार्ट हो गई हो, रुझान है अभी ये। तो अभी तक तो कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी का भी काफ़ी अच्छा वो वहाँ पर रहा है, तो देखते हैं दोस्तों कौन से जीतता है। और अपने होम टाउन में भी चुनाव हुए थे अपना चेयरमैन के, मार्केट में थे हमारे गांव में तो नहीं थे, उनका भी आज पता लग जाएगा कौन सी पार्टी जीत रही है, बीजेपी की जीत रही है वो जीत रही है, हल्ला तो बीजेपी का ही है, बाकी के देखते हैं। यहाँ पर दिखा रहे हैं बीजेपी अपना आगे चल रही है अभी, तो देखते हैं दोस्तों जैसा भी रहेगा आपको आगे। अभी जो टाइम हो रखा है वो 12 बजे का हो रखा है और मैं अभी निकल चुका हूँ दोस्त के पास में, जो कि मैंने बताया था आपको कि उसने नई गाड़ी ली है टाटा टियागो और उसका जो है अपना उसकी में नंबर प्लेट लगनी है और उसको भी चलानी आती नहीं है, तो उसको मतलब मैं निकल चुका हूँ उसके साथ जाने के लिए क्योंकि उसको भी चलानी नहीं आती तो थोड़ा सा इश्यू है। और अभी आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, जस्ट अभी निकला हूँ, वाइफ को डॉक्टर के लेके गया था लास्ट वीक आपको बताया था, तो अपना जो है वहाँ से अभी एक घंटा सा लग गया मेरे को, 10:30 गया था और अप्रोक्सीमेटली मतलब 1.25 घंटा लग गया था मेरे को। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी की मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, ये अपने बैक गेट से, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है तो मन की अब मेन गेट से ही आ जाते हैं। और आप अपना जो यहाँ पे देख सकते हैं हल्का हल्का ट्रैफिक कहीं कहीं पे है और दिन के 12 बज चुके हैं, गर्मी ने तो बुरा कमाल कर रखा है, खतरनाक वाली गर्मी अभी जो है दिल्ली NCR में स्टार्ट हो गई है। टेम्परेचर अभी गाड़ी में जो दिख रहा है वो 37 का दिख रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी की वैसे मे भी हो सकता है ज़्यादा हो या हो सकता है अभी कम है, बट खतरनाक वाला है। मैं अभी स्कूटी लेके गया था और डॉक्टर के पास, तो मैं पास में ही था मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर, तो मैं ऐसे ही चला गया, मेरा सर ही बहन आ रहा है अभी जो है, अब मैंने गलती कर दी, अदरवाइज मैं गाड़ी लेके जाता तो ज़्यादा बेस्ट रहता। वैसे गर्मी लगती बट कम से कम ये तो होता कि आगे से हवा तो नहीं लगती, बट आगे से अब जो जाऊंगा, कल भी जाना है मेरे को, एक इंजेक्शन लगवाना है वाइफ को और बाकी की कुछ रिपोर्ट्स वगैरह कराई हैं उसको, तो वो अपनी दिखानी है तो उसको लेके मतलब जो अपना दिखाना है कल एक बार, तो कल मैं आऊँगा तो कल गाड़ी लेके जाऊँगा भैया, मेरे बस की नहीं है स्कूटी से चलना, सुबह शाम चल सकते हैं बट डिफ़िकल्ट है यार, मतलब 9:30 बजे ऑफिस जाता हूँ तब इतना महसूस नहीं होता है, बट अभी दिन में तो खतरनाक हो गया है। तो ये है दोस्तों, बाकी की चलिए दिखाता हूँ, आज इतना ट्रैफिक यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और मेरे को जाना है अभी मानेश्वर से आगे वाटिका के पास में, तुम्हारा जो है वाटिका है जिन क्या है एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, अफोर्डेबल वाला फ्लैट ले रखा है, वहाँ पे जाना है, फिर ड्रॉप करेंगे गाड़ी और फिर उसके बाद में अपना जो है चल देंगे शोरूम के लिए, फिर शोरूम से आके फिर थोड़ी देर बैठ के आराम करके आऊँगा और 3-4 बजे तक का है मैं कि वापसी आ जाऊँगा, 12:30 तक तो मेरे को लग रहा है मैं पहुँचूंगा और उसके बाद देखते हैं कितने बजे तक मैं वापसी आता हूँ। चलिए दोस्तों जैसा भी रहेगा आपको मैं अपडेट देता रहूँगा आगे। और अभी कोई ट्रैफिक, तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ दोस्त के यहाँ से निकल गया हूँ, 529 हो चुके हैं, यहाँ पे आया था, उसकी नंबर प्लेट वगैरह लग गई है, ये अपना सेक्टर 82 क्रॉस रोड है और आगे अपना जो है वाटिका है, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये अपना मानेश्वर में है, यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू वाटिका,
इंडिया नेक्स्ट ये करके दे रखा है, और बाकी की अपना जो है मैं भी ऑलमोस्ट अपना जो है यहाँ से 20 मिनट मेरे को लगेंगे। मैं आपको घड़ी से दिखा देता हूँ, अब कहीं मेरे को नहीं जाना, डायरेक्टली मेरे को घर ही जाना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी आपके 5:30 हो रखे हैं, मैं जो करके दिखा दिया है 5:30, और बाकी की अपना जो है रोड अभी ये भी खाली मिलेगी, वो भी खाली मिलेगी, और जहाँ माता मंदिर के आसपास हल्का मिल सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रीजन ये है आपका कि वहाँ क्या है अपना वो रहेगा, अपना जो क्या नाम है, सैटरडे है तो ट्रैफिक वगैरह के ये आप बाकी के देख ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा भी रहेगा पहुंच के आपको अपडेट करूंगा मैं। गर्मी बहुत हो रही है, अभी धूप में गाड़ी खड़ी रही थी तो अभी गर्म हो रही है, आपको मैं दिखा भी देता हूं। जो ये देख सकते हैं मेरे को पसीना आ रहा है एसी में, सोच सकते हैं 2 पॉइंट पे मैंने एसी चला रखा है फिर भी पसीना आ रहा है। और आपको एक बार रीडिंग और दिखा देता हूं, क्योंकि मेरे में ऑटोमेटिक है, यहां पे देख सकते हैं ये अपना 22 पे चला रखा है मैंने। और बाकी की यहां से लेफ्ट लूंगा, राइट लेके अपना जो है जयपुर के लिए आप निकल जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग अपना रॉन्ग साइड भी आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा भी रहेगा आपको जो सभी, मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास पहुंच गया हूँ, जो मेरे यहाँ सेक्टर 5 में है पेट्रोल पंप है, माता मंदिर से आगे, और टाइम हो चुका है 6 बजे का। यहाँ पे हल्का सा ट्रैफिक स्लो, पीछे हल्का सा रेड लाइट पे स्लो था, और हार्डली मेरे को 5 मिनट और लगेंगे, टोटल मिला के मेरे को जो है 35 मिनट लगेंगे यहाँ पहुंचने में। और जो किलोमीटर जो मेरा पड़ा है दोनों तरफ से वो 41 किलोमीटर अभी दिखा रहा है, तो अभी मोटा मोटा 42 तक चला जाएगा। तो ये है दोस्तों बाकी की अपना जो है, मैं घर पहुंचूंगा थोड़ा बहुत देर, फिर आराम करूंगा, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ, आराम नहीं मिला है। वो तो बोल रहा था कि मेरे यहाँ मतलब बैठ लेट जा, आराम कर ले, सो जा, कि यार कोई सोने का टाइम थोड़ी इवनिंग में थोड़ी सोते हैं यार, मैं तो वैसे भी नहीं सोता इवनिंग में। तो ये है दोस्तों बाकी की, चलते हैं फिर जैसा भी एक्सपीरियंस रहता है। मैं मेन गेट से ही जा रहा हूँ, इससे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी काम चल रहा है इधर, अभी मकान का हमारा जो ओनर मकान बना रहा है, तो शायद हो सकता है वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हो, तो मेन रोड से ही मैं निकल रहा हूँ जो अपना मेन गेट है। और ये अपना सेक्टर 5 का जो थाने वाला अपना गेट है, ये वो आ गया है अपना, यहाँ से मैं अपना एंट्री ले लूँगा। जो टाइम हो रखा है वो अप्रोक्सीमेटली 9:40 का हो रखा है, और मैं अभी जो है अपना डिनर वगैरह हो गया है, और घर से अभी बाहर निकला हुआ हूँ। सुबह ये मैंने धुल दी थी, स्कूटी भी धुल दी थी, गाड़ी भी धुल दी थी, फिर दिन में मैं कहीं गया था, आपको वीडियो में पीछे दिखाया था, तो हल्की हल्की धूप अपनी जो है स्कूटी पे इस पे आ गई है। तो कल मेरे को हल्का सा कपड़ा मार के कल फिर इसको जो है ढक दूंगा, अगर कल कहीं नहीं जाता हूँ तो। और बाकी की अपना जो है हल्की हल्का कपड़ा मारना पड़ेगा, और आपको जो है बाकी की पार्क में चलता हूँ, दोस्त आने वाला है 5 मिनट का उसने बोला था, देखते हैं कितनी देर में आएगा। आपको एक इतने ओवरव्यू दे देता हूँ और इस वीडियो को भी एंड कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो भी ऑलमोस्ट 8-9 मिनट की हो गई है। और अभी मैं दोस्तों नहा के आया था, क्योंकि गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहा के तब थोड़ी देर ऑफिस का काम किया था, 1-2 मेल करनी थी, और उसके बाद में तुम्हारा जो है फाइनली जो है यहाँ पर आके मैं अपना जो है मतलब नहा के खाना खाया, काम किया सॉरी, फिर उसके बाद खाना खाया, और फिर उसके बाद में अपना जो है थोड़ी देर न्यूज़ देखी, और फिर उसके बाद में 1-2 मैसेज थे उनका रिप्लाई किया, एक दोस्त का फ़ोन आ रखा था तो उसको भी कॉल किया, फिर उसके बाद फाइनली अपना जो है अभी उसका फ़ोन आया तो मैं तो अपना इधर आ गया हूँ। तो ये है दोस्तों बाकी की, आप देख सकते हैं अभी पार्क में कोई नहीं है, सिर्फ सिंगल मैं ही हूँ, और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है, बट मौसम नहा के आया हूँ तो मेरे को इतनी गर्मी महसूस अभी नहीं हो रही है, जबकि पहले ज़्यादा हो रही थी। दिन में जैसे मैं गया था दोस्त के पास में, फिर नंबर प्लेट लगाने गए थे, बाहर निकले थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी, फिर मैं जहाँ दोस्त के यहाँ गया था वहाँ क्या था वो था फ्लैट था, तो उसमें भी गर्मी थी, पंखे में भी कहीं ना कहीं पंखे की लू सी लग रही थी। अब मैंने उसको बोला नहीं कि भाई एसी चला ले, तो मैं अपने घर पे होता तो हो सकता था दिन में एसी चला लेता। तो दोस्तों ये है सारा ओवरव्यू, बाकी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों करते हैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।